उसके बाद ये साल में क्या टीम इलीट नई नई ऊंचाइयां छू सकती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। और आज की वीडियो को लाइक कर लोगों 500 लाइक और हम लोग बहुत बात आ चुके हैं 3K सब्सक्राइबर्स के, तो अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बट ज्यादा वक्त ना करते शुरू करते आज का वीडियो। 2021 में FFIC फॉल सीजन जीतने के बाद टीम ओरैंगउटांग इलीट पहली बार 2022 में फ्री फायर प्रो लीग विंटर सीजन के मैदान में उतरने वाले हैं और काफी लोगों का उम्मीद उनके साथ जुड़ा हुआ है। एंड आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने हर साल हर टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, हम कह सकते हैं, हम लोग काफी बार कार्सन इसमें कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ओरैंगउटांग इलीट है। तो अब उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, उनके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी बना पड़ा है कि क्या करने वाले हो इस बार के फ्री फायर प्रो लीग में। अब मेरा ऐसा मानना है कि उनकी टीम में काफी सारे अनमोल रतन है, ठीक जैसे मार्वल में इंफिनिटी स्टोन से ना सब चुटकी बजा के अनहोनी ला सकते हैं थैनोस जैसा। कि इन रतनों का ना कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। तो सबसे पहला इनकी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं किलर नाम के, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे हैं, दिखते छोटे हैं बट उनके खेल से एकदम मिनो महामानव लगते हैं, एकदम अहिमानव लगते हैं कि अपने खेल से ऐसा लगता है कि सबको खा जाएंगे। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं एंड सब लोग अग्री भी करेंगे कि वो जिस तरह से वन टैप दे रहे हैं, तो इस वक्त यहां पे हम इंडिया के वन टैप गॉड कह सकते हैं किलर को। दूसरा है आप सबके चहेते पहाड़ी, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर्स में से गिने जाते हैं, बट रिसेंट टाइम में उन्होंने अपना रोल थोड़ा बदला है। जैसा मुझे वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप में देखा है, वो अपने टीम के लिए ना नीडर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब क्या पता क्या होगा कि प्रो लीग में जब वो मैदान में उतरेंगे तो हमें शायद पहाड़ी का एक डिफरेंट अप्रोच देखने को मिले, क्योंकि स्नाइपर में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है जो मेटा के बाद हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने 2021 में परफॉर्मेंसेस दिए हैं, आई डाउट कि वो 2022 में कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि 2021 का पहला हाफ उनका काफी अच्छा था, जो सेकंड हाफ का थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है। तो मैं यही देखना चाहूंगा कि 2022 के शुरुआती टूर्नामेंट जो कि फ्री फायर प्रो लीग विंटर होगा, क्या पहाड़ी अपने आप को फिर से रिडीम कर पाएंगे। एंड आई डोंट डाउट कि वो फिर से कर सकते वो चीज। अगर फौजी अजय के बाद पिछले साल किसी ने ऊंचाइयां छुआ है ना, तो वो है आइकॉनिक। अपने नाम पे हमेशा खड़े उतरते हैं और आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस से अपने टीम को हमेशा लीड करते जाते हैं और जाने जाते हैं अपने बिग ब्रेन प्लेस के लिए। अब आइकॉनिक का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम में, क्योंकि आपको शायद तो बहुत ज्यादा यू नो छुपे रुस्तम लगते हैं, वो चुपके से करके चले जाते हैं और अपने टीम के पहाड़ी एंड अपने टीम के किलर और अपने टीम के आरडीपी जैसे प्लेयर्स को खिलाते हैं। आइकॉनिक अपने टीम के दिमाग है और किलर पहाड़ी आरडीपी और जॉन्टी भाई उनकी टीम के हाथ पैर और दिलो जान जैसे हैं। बहुत समय से ना इस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा अंडररेट किया गया था, साइलेंट किलर में से माने जाते हैं कम्युनिटी के, उसका नाम इज नन अदर देन आरडीपी। और जिस तरीके से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है ना एशिया चैंपियनशिप में एमवीपी बन के, जिस बार यहाँ पे कोई इंडियन टीम ने बूया नहीं निकाला था 2021 के कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, पहली बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बूया निकाला, ऊपर से उस मैच के एमवीपी बने आरडीपी, एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि इस प्लेयर के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है। आखिरी में वो खिलाड़ी है जिन्होंने इस टीम को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि जॉन्टी भाई। यस, अभी रिसेंट टाइम में वो अपने टीम के एक मेंटर बन चुके हैं एंड अपने टीम के लिए एक बैकअप ऑप्शन भी, क्योंकि जब भी इसमें से कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं होता है तो जॉन्टी भाई हमेशा रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। आई थिंक इस प्लेयर के पास जितना अनुभव है एंड अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ बहुत अमीर खिलाड़ी है, जिस तरीके से इन्होंने 2020 में 2021 में परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जब भी इन्होंने मैदान में उतरे ना हमेशा चार चांद ही लगाया है। एंड अगर प्रो लीग में आपको ओरैंगउटांग इलीट की लाइनअप के बारे में बात करेंगे ना, तो आइकॉनिक किलर पहाड़ी एंड आरडीपी ही आपको खेलते हुए दिखेंगे, जॉन्टी भाई एज अ बैकअप होंगे। आपको बहुत रेयरली सेकंड लाइनअप खेलते हुए देखने को मिलेगा, व्हिच इज गोइंग टू बी पहाड़ी, आइकॉनिक किलर एंड जॉन्टी भाई, एंड आरडीपी उधर एज अ बैकअप होंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जहां पे टीम इलीट के पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ गए हो एंड वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो शायद उस मैच में जॉन्टी भाई को ले आ सकते हैं, उनको भी थोड़ा गेम टाइम दे सकते हैं, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है टीम में जहां पे आपको अपने फिफ्थ प्लेयर को खिलाना पड़ सके। कहीं ना कहीं हर जगह जब भी ये टीम कोई टूर्नामेंट खेलती है हमेशा हम लोगों का सब लोगों का ये फेवरेट्स रहते ही है, एंड ये आप लोग भी एग्री करोगे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे शब्द आपके मुंह में डाल रहा हूं। एक और चीज की बहुत लोग ना काफी बार ये कहते हैं कि यार लोकल टूर्नामेंट में टीम लीड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, अरे यार यहाँ पे तो 12वें पे एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे तो यू नो 12th पोजीशन आए हैं, यहाँ पे तो 8वें पोजीशन पे आए हैं। जब भी ये लोग कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलते हैं फिर कोई बड़ा थर्ड पार्टी टूर्नामेंट खेलते हैं, ये हमेशा वहां पे मौजूद रहते हैं, जिस वजह से यू नो आपको इनके लिक्विपीडिया के मैं यहाँ पे रिजल्ट्स डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि हर एक टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं फिफ्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट भी आ चुके हैं अभी, क्योंकि पहले तो वो जंजीर एक बंधा हुआ था कि
कुछ भी कर लो, सेकंड थर्ड ही आते रहते थे, फर्स्ट नहीं आ पाते थे, बट फाइनली 2021 में MFI से जीत के उन्होंने वो जंजीर तोड़ा एंड अब वो एक खुले सांड बन चुके हैं। जिस तरीके से वो अपने आप को शोकेस करते हैं और एशिया चैंपियनशिप में जिस तरीके से उन्होंने टीम इलीट ओरांग ओटांग इलीट को शोकेस किया था कि बहुत वो इन्होंने अक्का बक्का कर दिया था एंड हम लोग खुद बहुत सरप्राइज हो गए थे कि एक इंडियन टीम बाहर जाके ऐसा डोमिनेट भी कर सकती है। इस साल का तो रोड मैप हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है जहां पे हमें दो वर्ल्ड सीरीज देखने को मिलेगा एंड फिंगर्स क्रॉस की सब कंडीशन ठीक रहे ताकि हमें लैंड टूर्नामेंट भी इस साल होते हुए देखने को मिल जाए। बहुत मजा आने वाला है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि टीम ओरांग ओटांग इलीट के पास सब कुछ है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, बस उनको एग्जीक्यूट करने की देरी है एंड फ्री फायर प्रो लीग विंटर भी उनके झोली में आ सकता है एंड पहले ही साल के शुरुआत में अगर एक ऑफिशियल टूर्नामेंट उनके बैग में आ जाएगा, उनके झोली में आ जाएगा, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, उनका साल का शुरुआत एक बूम बाम से होकर एकदम फ्लाई रॉकेट करेगा। तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों के राय भी बताना कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है आपको टीम इलीट फ्री फायर प्रो लीग विंटर सीजन जीत सकती है कि नहीं एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक ड्रॉप कर, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है 500 लाइक का गोल रहेगा एंड बहुत पास आ चुके हैं 3K सब्सक्राइबर्स के, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, स्टे सेफ गाइस एंड हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गाइस।